की विकेट गिर गई है नवाज शरीफ की, अब जरदारी की बारी है। क्या इमरान खान की ये पेशगोई सच साबित हो रही है? इसकी इमली जो तस्वीर दिखी आज दिखी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के साबिक सूबाई वजीर इत्तला'आत शर्जील मेमन के खिलाफ सिंध फेस्टिवल और दीगर तशहीरी मुहिम में अरबों रुपए करप्शन के केस में जमानत की तौसीक नहीं की गई, सिंध हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर नैप की तहमीर में ले लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला'आत चौधरी मंजूर ने इस गिरफ्तारी को कैटवॉक एहतसाब का नाम दे दिया है। इस गिरफ्तारी की क्या अहमियत है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या सियासी मंजरनामा सामने आएगा, ये पूछेंगे। साथ हैं इस वक्त हमारे बड़े मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर सेनेटर फरतुल्ला बाबर साहब। हाल ही में आपने जो डिफेंस कमेटी है सेनेट की, उसके चेयरमैनशिप से आपने इस्तीफा दिया है, वो भी आपसे कुछ पूछेंगे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं और फोन लाइन पे इस वक्त हमें ज्वाइन करें, मुस्लिम की तर्जुमानी करेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब। दो आज हमारे मौजू हैं, पहले मौजू की तरफ चलते हैं। फरतुल्ला बाबर साहब, क्या आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शर्जील मेमन साहब की इस तरह गिरफ्तारी हो जाएगी, यकदम उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और दूसरी तरफ हमने देखा है कि आप जब कहते हैं कि जी कैटवॉक एहतसाब है, तो नैप चेयरमैन तो जी आपकी पार्टी ने नामजद किया था, तो अब क्या परेशानी? देखिए जी, मुझे शर्जील मेमन की इस तरह अचानक गिरफ्तारी पर ताज्जुब जरूर हुआ है और मुझे इसमें तीन चीज़ें बड़ी अजीब लगी हैं। एक तो ये है कि रेंजर्स का वहाँ पर आ जाना, अब रेंजर्स के आ जाना, क्या उनको वजारत दाखिला ने हिदायत की थी, क्या सूबाई हुकूमत ने हिदायत की थी, रेंजर्स वहाँ पर क्यों आए, क्या रेंजर्स को इलम था पहले से? ये तो हो नहीं सकता कि उनको पहले से इलम हो कि अब इनकी बेल जो है वो कैंसिल हो रही है, एक्सटेंशन नहीं मिल रही। एक रेंजर्स का वहाँ पर आना, दूसरा ये जो केस की नोयत है इश्तहारात में, अब कि हम मीडिया से हमारा ताल्लुक है और मैं जानता हूँ इश्तहारात के बिजनेस को जानता हूँ थोड़ा बहुत। अब इसमें बात यह है कि इश्तहारात जो वहाँ पे तकसीम हुए हैं, क्या ये सिर्फ सिंध हुकूमत के इश्तहारात थे? फेडरल गवर्नमेंट के भी थे, फेडरल के भी होते हैं, पंजाब के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं और सिंध के भी हैं। तो मुझे रियली ताज्जुब है कि ये केस जो बना है और ये सिंध गवर्नमेंट के इश्तहारात से, इससे भी एक सवाल पैदा होता है। वो कहते हैं कि जो उन्होंने उसके अंदर खुद बुर्द की, जिसकी वजह से चेकर को बहुत नुकसान हुआ और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते ये। वो तो जहां तक खुद बुर्द और सरकारी खजाने को नुकसान है, तो अगर आपको याद हो तो डॉक्टर आसिम के बारे में भी कहा था कि उन्होंने 480 बिलियन रुपए का नुकसान किया है, और इससे पहले कि ओगरा के चेयरमैन थे उनके बारे में भी कहा था कि 80 बिलियन रुपए का नुकसान किया गया है। तो ये तो खुर्द बुर्द वाली बातें जो हैं, जो साबित चीज़ हो जाए वो और बात हो। उसमें तो हमें रियली बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्यों रेंजर्स वहाँ क्यों मौजूद थे, उनको कैसे था कि वो उन्होंने उनको इजाज़त दी थी। और दूसरा ये है कि ये जो इश्तहारात थे ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के नहीं, औरों के भी है। और तीसरा मोर इम्पॉर्टेंटली वो ये है कि इस केस में सिर्फ शर्जील मेमन का नाम नहीं, और भी नाम है, मैं उस वक्त नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज वो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। कुछ को बेल, एक को तो बेल भी मिल गई, लेकिन ऐसे भी हैं कि उनको बेल वगैरह नहीं, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया। What are you suspecting? चूंकि आप तर्जुमान भी रहे हैं जरदारी साहब के, जब ये कहते हैं कि जी जरदारी साहब का जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है, बार बार अब उजैर बलोच की भी स्टेटमेंट सामने आती है, तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या शर्जील मेमन को लेके कोई केस है वो बनाया जाएगा जरदारी साहब के? मैं हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके के साथ ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और जिस तरीके के साथ इन्होंने जीरो इन किया है शर्जील पर, तो हो सकता है कि मकासद कुछ और हो, ये हो सकता है पॉसिबल। मैं मकासद से मुराद क्या? मतलब कि शर्जील मेमन को गिरफ्तार करके, शर्जील मेमन को टॉर्चर करके, शर्जील मेमन से कोई बयानात मंसूब करके दायरे कार को और मजीद बढ़ाई है, तो मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस पर जरूर तबसरा करूंगा कि हमें बड़ा ताज्जुब हुआ है कि द वे इट वॉज डन, द मैनर इट वॉज डन,
और ये बड़े अजीब तरीके के साथ रेंजर्स का बहाना, तो सवालात बड़े उठते हैं। हमारे वकला अब इसका जायजा ले रहे हैं, कल जरा सिचुएशन मजीद वाजे हो जाएगी, बट आई एम सरप्राइज्ड। जावेद अब्बासी साहब, चूंकि आपका ताल्लुक सेनेट से है और चेयरमैन हैं आप लॉ एंड जस्टिस के कमिटी के, तो जो फरतुल्ला बाबर साहब को ताज्जुब हो रहा है कि यकदम वहां पे रेंजर्स पहुंच गए, उनको कैसे पता चला कि उनको उनकी जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगी, और उन्होंने एक और तश्वीश जाहिर की, उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे लगता है कि शायद उनको टॉर्चर किया जाए, क्या आप इसकी कोई बात करना चाहेंगे या आप कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे इस मामले पे कि जी इनका इनको कम अज कम एक सियासी टॉर्चर ना किया जाए? देखिए जी, इससे तो मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि किसी आदमी को भी कोई भी हो, वो सियासी हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई जर्नलिस्ट हो, कोई जर्नैल हो, किसी को भी इन्हें किसी सूरत में करने का अख्तियार नहीं है और न ही हक है। मगर रेंजर्स जो है, रेंजर्स इस वक्त जो है वो आपके नीचे आते हैं, आपके मातहत हैं, फेडरल गवर्नमेंट को आंसर करते हैं, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इनको आखिरकार टॉर्चर ना किया जाए? एक तो ये बात आज समझने की है कि उनकी बेल कोर्ट से कैंसिल हुई है और अदालत ने ना मुस्लिम लीग के दून के कब्जे में और ना पीपल्स पार्टी के, और वहाँ हुकूमत इस वक्त जो है वो फरतुल्ला हुकूमत है, जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कई तौर पर ये बात ना समझा जाए कि फेडरल गवर्नमेंट इस मामले पर आगे बढ़ रही है। और आपने देखा होगा कि अभी हालिया ही में चेयरमैन नैब भी लगाया, वो हमने बाबर ठाकुर की जमात के कहने पर लगाया हुआ है। ताना जो फेडरल गवर्नमेंट को कभी मिल सकता था या ये नैब को कभी हमें ताना मिलता था कि ये नैब किसने बनाया? आप इनका चेयरमैन नैब भी इनका है, अदालतें आजाद हैं, आपने देखा इतना बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी उसमें जरूर रिजर्वेशन है लेकिन हमने वो फैसला माना है। हाँ, ये आप ये साबित करेंगे कि वाकई शर्जील मेमन के खिलाफ जो केसेस हैं वो ठीक हैं, गलत हैं, वो अदालतों के अंदर हैं या अदालतों में अपने वकला पेश करें? ये हर रोज हमें ताना देते हैं, फाबर साहब वहां खड़े हो गए कि आप अदालतों का एहतराम नहीं करते, आप अदालतों में पेश नहीं होते। जरदारी साहब बार बार खड़े होकर कहते हैं कि हमने अदालतों का सामना किया है, हमने जेलें काटी हैं। तो जब आपने ये सारे काम किए हो, तो अगर ये काम अभी आपके ऊपर आया तो दिलेरी करें, दिलेरी दिखाएं, जरूर करना चाहिए। मगर जावेद साहब वो ये कहते हैं, उनका ये खदशा है कि ये मामला जरदारी साहब के ऊपर आके रुकेगा, कि इनको इस्तेमाल किया जाएगा शर्जील में जरदारी साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग करने के लिए। जरदारी साहब, मेरा ख्याल है कि आजकल जो है वो एक बड़े कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं, वो कंफर्टेबल जोन में हैं, और आज समझ दी है कि जरदारी साहब शायद कोई नहीं जा रहा, लिहाजा मैं नहीं समझा कि ये मामला जरदारी साहब तक जाना है या जाएगा। मैं कुछ बता नहीं सकता, शर्जील मेमन के पास कोई खास इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी के खिलाफ भी कोई करप्शन का केस है, वो मैं हूँ, हमारी जमात का कोई हो, पीपल्स पार्टी का कोई हो, उसके खिलाफ जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके खिलाफ जरूर अदालतें अपना काम करें और कल अदालतें कह दें। लेकिन हम किसी तौर पर भी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ ज्यादती हो, उसके साथ उसको टॉर्चर हो, वो अपना केस जरूर लड़े और वो अदालत में जाए और वहां से बेल कैंसिल हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उसका एवेन्यू मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहां से बेल जरूर ले, अगर ले सकता है तो। जी, मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जावेद साहब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मगर बात बताइए, इनका पॉइंट तो फिर भी ठीक है कि जो नैब का जो इस वक्त चेयरमैन है वो आप लोगों ने नामजद किया है, मगर जब फिर आप कहते हैं और बिलावल साहब कहते हैं कि जी हमें कोई इंसाफ की कोई भी किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये नैब के चेयरमैन की बात नहीं है, मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि आप नैब का रवैया देखें, एक इंस्टीट्यूशन की बात कर, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। पंजाब में नैब का एटीट्यूड कुछ और है और सिंध में कुछ और है। इससे पहले भी आपने देखा, जब ये नैब के चेयरमैन नहीं थे, कोई और नैब के चेयरमैन थे अपना, तो नैब को कंट्रोल कौन तो उस वक्त, वेल आई डोंट नो जो नैब को कंट्रोल कौन करता है। उसूली तौर पर तो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि नैब का ख्वाब ये चेयरमैन हो या इनसे पहले इनके पेशरो जो थे वो चेयरमैन थे, तो हमने देखा कि सिंध में उनका रवैया कुछ और था। आप देखें, डॉक्टर आसिम को उतरते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक साल से ज़्यादा वो बंद रहे और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि 480 बिलियन रुपए खा गए, आप अंदाज़ा लगाए ना। और रेंजर्स ने उनको पकड़ लिया और रेंजर्स ने उनको 90 डेज और फिर 90 डेज इस तरह उनका रिमांड लेते रहे, फिजिकल रिमांड। सिंध में ये है, पंजाब में और इस्लामाबाद में कुछ और है, तो ताज्जुब होता है। इसलिए ये कहना, इसका रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगी। जावेद अब्बासी साहब, आप रिएक्शन देना चाहेंगे, क्या वजह है कि नैब का रवैया सिंध में कुछ मुख्तलिफ है, पंजाब के अंदर कुछ मुख्तलिफ है? ये तो उनके यही कह रहे हैं शर्जील मेमन साहब के।
देखिए जी, बिल्कुल ये बात किसी तौर पे भी हकीकत नहीं है कि ये रवैये हमारे खिलाफ हो रहे हैं और इनके खिलाफ हो रहे हैं, ना रवैये ऐसे होने चाहिए। मैंने पहले भी आज की थी कि जब चौधरी कमर जमान साहब लगा है चेयरमैन नैब, तो वो भी जरदारी साहब की रिकमेंडेशन पे लगा था। अब अगर चेयरमैन नैब लगा है जनाब जावेद इकबाल साहब, तो वो भी इनकी रिकमेंडेशन पे लगा है। जब चेयरमैन नैब इनकी रिकमेंडेशन पे लगाए गए हैं और हमने उस पर एतराज नहीं किया, तो आप ये ताना देना कि पंजाब एटीट्यूड हो रहा है और सिंध के अंदर है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, अगर करप्शन किसी ने सिंध में हुई है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, अगर करप्शन पंजाब में हुई है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, और अगर करप्शन क्या हुई है उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को इनोसेंट आदमी को, किसी मासूम आदमी को जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है, उसके खिलाफ अगर नैब को कार्रवाई करता है, नैब कोई एक्शन लेता है, तो हम जरूर से कंडेम करते हैं। नैब का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा, नैब ने कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। अच्छा, नैब के बारे में हमारे बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है। लेकिन आप एक बात देखेंगे, इन्होंने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवा लिया है जो फेडरल नैब है, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन सिंध के ऑफिसरों को चेंज नहीं होगी। तो अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर शिकायत तो जरूर उठेंगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी फरतुल्ला बाबर साहब, चूंकि आपने सियासत के अंदर पाकिस्तान की बड़े उतार चढ़ाव देखे, अब खड़े हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुझे अभी भी याद है कि मियां साहब और नवाज शरीफ साहब ने साइन की, मियां साहब और बेनजीर साहिबा ने साइन की थी, आप हिस्सा थे उसके। अब आप क्या समझते हैं, जहां आप खड़े हैं, जहां जरदारी साहब ये कह देते हैं नवाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्या कोई मुफाहमत की सियासत का कोई चांस है? मफाहमत का तो पहली बात कर चुके हैं जरदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं कि इन हालात में मफाहमत नहीं हो सकती, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। और अब ये नहीं, मिसाक जमहूरियत, देखिए इसमें ये चीज़ जहन में रखें, मिसाक जमहूरियत है पार्लिमान और डेमोक्रेसी को बचाना, मिसाक जमहूरियत ये नहीं है कि वज़ीर आज़म ए या वज़ीर आज़म बी को बचाना है। वज़ीर आज़म आएंगे और जाएंगे, पार्लिमान रहेगा। जब पार्लिमान को खतरा था 2014 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारे अल्ज़ामात अपने सिर पे लिए कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, ये मिली भगत है, मिले हुए हैं, लेकिन हमने पार्लिमान को बचाया और हम इस बात पर फख्र है। ये जरदारी साहब को और पार्टी की क़यादत का फैसला था कि पार्लिमान को बचाना है, तो इन दोनों को आप अलहदा कर दें। देखें, हमने अब भी कहते हैं कि इस हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए और मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। हुकूमत इनकी है, प्राइम मिनिस्टर इन्हीं का है, मिस्टर ए नहीं है, मिस्टर बी है। हम एक प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए नहीं करेंगे। पार्लियामेंट को अगर ख़तरा हुआ, जमहूरियत को अगर ख़तरा हुआ, तो फिर हम हाजिर हैं, खड़े होंगे। दूसरा, आपने कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि इनको गिरफ़्तार कर लें, उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि जब हम देखते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा होते हैं उनको तो आप फौरन गिरफ़्तार कर देते हो, जब इनके होते हैं तो आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, तो उन्होंने इसमें ये बात की, इसको समझना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब की इस बात को सही तनाजुर में देखा जाए। इधर मैंने लेना एक छोटा सा वक्फा, मगर वक्फे के बाद हम जीनत शहजादी के केस के ऊपर बात करें, जमहूरियत की बात करते हैं, तो जमहूरियत का हिस्सा मैं और आप अवाम भी हैं। इस वक्त अवाम को कितना तहफ़ है, पार्लियामेंट कितना तहफ़ देती है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ये तस्वीर है 26 साला जीनत शहजादी की, जो पाक की पहली सहाफी हैं जिनको 2 साल कबल पुरस्टार हालात में अगवा कर लिया गया। आज वो वापस अपने घर आ चुकी हैं, मगर 2 साल तक इन पर क्या बीती वो नहीं बताती। 1 साल पहले इनका छोटा भाई 17 साला सदाम प्यारी बहन और घर की वाहिद कफील के गम में खुदकुशी कर चुका है। वालदा कनीज बीबी कहती हैं कि शायद इनको अपने बेटे सदाम के सामने जीनत की याद में आंसू नहीं बहाने चाहिए थे, लेकिन क्या करती जब सदाम ने कहा कि अम्मा अब जीनत कभी नहीं आएगी, वो मर चुकी है। जीनत को आखिर किसने गायब किया? जीनत शहजादी 19 अगस्त 2015 को लाहौर से गायब हुई थी, जिसकी वापसी की तस्दीक की लापता अफराद के कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने। जस्टिस जावेद के मुताबिक जीनत शहजादी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाके में हुई और उसको गैर रियासती अनासर और मुल्क दुश्मन खुफिया इदारों ने अगवा किया था। 2 निजी टीवी चैनलों के लिए सहाफती जिम्मेदारियाँ निभाने के साथ साथ जीनत इंसानी हकूक की भी सरगर्म कारकुन थी। सवाल ये है कि
जीनत क्यों अगवा की गई। इंसानी हकूक के लिए सरगरम वकील हिना जिलानी के मुताबिक जीनत उस वक्त लापता हुई जब वो रक्षे में दफ्तर जाते हुए दो गाड़ियों ने उसका रास्ता रोका, मुसल्ला अफराद निकले और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। इस वाकये के अगले दिन जीनत की जबरी गुमशुदगियों के कमीशन में पेशी थी। अपने अगवा से पहले वो भारतीय शहरी हामिद अंसारी की पाकिस्तान में गुमशुदगी के केस पर काम कर रही थी और उन्होंने मुंबई में हामिद की वालदा से राब्ते के बाद जबरी गुमशुदगी का मुकदमा दायर किया था। जराए के मुताबिक इसी केस के हवाले से जीनत ने भारतीय सिफारतकार से मुलाकात भी की थी। हिना जिलानी के मुताबिक एक बार पहले भी जीनत को सिक्योरिटी वाले उठाकर ले गए थे और चार घंटे बाद छोड़ दिया था। जीनत ने घर आया था कि वो उससे हामिद के बारे में तफ्तीश कर रहे थे। जीनत जैसे तकरीबन 1386 लोग हैं जो गायब हैं या थे, जैसे के पिनहाल सारियो जिनको रवा बरस 3 अगवा किया गया था क्योंकि वो गुमशुदा लोगों की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इनके दोस्त कहते हैं कि इनको पुलिस की वीगो गाड़ी में उठाया गया और इनसे पूछताछ की गई कि वो क्यों गुमशुदा लोगों की पैरवी कर रहे हैं। आज वो घर वापस आ गए हैं मगर सैकड़ों गुमशुदा लोगों की तरह वो भी खामोश हैं। अब तक हुकूमत भी इन नामालूम गुमशुदगियों के जिम्मेदारों को सामने लाने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट के उकता अफराद कमीशन भी बनाया गया जिसकी सरबराई इस वक्त जस्टिस जावेद इकबाल कर रहे हैं। सेनेट इजलासों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने इस मामले को मुतद्दद बार उठाया। फिर NA 120 के इलेक्शन में नून लीग ने इल्जाम लगाया कि वो कारकुनों को उठाया गया और फिर मरियम नवाज की भी सोशल मीडिया टीम से मुतद्दद लोगों के गायब होने पर मियां नवाज शरीफ ने भी पहली बार अपनी जबां बंदी तोड़ी और कहा कि इजहार ख्याल हर पाकिस्तानी का हक है और गुमशुदगियां इजहार राय पर हमला है। इन लोगों को कौन उठाकर लेके जाता है, ये खामोश क्यों इख्तियार कर लेते हैं? इस वक्त हमारे साथ हैं फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आईए रहमान साहब, बहुत बड़ा नाम है इनका ह्यूमन राइट्स के एक शोबे में। आईए रहमान साहब, आपने इस हवाले से बहुत तफ्तीश की है, ये बताइए कि जब ये लोग वापस आते हैं, हमने तो कोशिश की उनसे बात करने की मगर बात नहीं करते, जब वो लौट के आते हैं तो आपको क्या बताते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्या बताते हैं? हमें भी कुछ नहीं बताते, बल्कि बड़ी माजत कर लेते हैं कि आप हमसे न पूछ। अच्छा, कई कई ऐसे रास्ते आ रहे हैं जी जिसमें के जैसे कराची से दो रोज लड़कियां गायब हो गई थी और फिर स्वास्थ्य में वो बरामद हुई और सारे अखबार में छपा के दो सुसाइड बॉम्बर पकड़ लिए हैं हमने, उसके बारे में मिशन की एक लड़की के शोहर एक्सपीडिशन की, हम वो केस फॉलो करते रहे, फिर उसके स्टाफ घर वापस आ गया कराची लाहौर वापस घर अपने। हम बाद में मालूम हुआ, हमें पूछा भी आप आ गए तो बता दो देते कम से कम जी, आप हमसे पूछिए बात न कीजिए। तो लिहाजा आपको भी कभी नहीं पता चलता कि इन लोगों को कौन उठा के लेके जाता है? नहीं, इन लोगों को जो उठा के लेके जाते हैं उसका पता तो आपको उन जजेस की कमीशन की रिपोर्ट में मिल जाएगा जो अभी तक जारी नहीं की गई और जिसकी सिफारिश पर नहीं हुआ। आपको याद है 2010 में एक कमीशन बनाया गया था 40 जजेस पर मुश्तमिल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें जो अखबारी इतिहास के मुताबिक की सिफारिश की गई थी, बताया गया था कि ये लोग जो थे इनको सरकारी इदारों लिहाजा वो उस मुद्दत के लिए कंपनसेशन दें उनको जब वो रखा गया उनको, ठीक, और कंपनसेशन दिया गया, ठीक। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे पूछूंगी, चूंकि आपने सेनेट के अंदर कहा कि हुकूमत इस मामले के अंदर बिल्कुल बेबस है, वो आपने क्यों कहा और कौन इनको उठा के लेके जाता है? आप भी एक रिट आपने भी पिटीशन दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर क्या निकला है? मुझे अनफॉर्चुनेटली एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। बाबर साहब, ये जो लोग गुमशुदा होते हैं वापस आते हैं, खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं, और दूसरा आपने क्यों बयान दिया कि इस मामले के अंदर जो हुकूमत है वो बेबस है? मैं चूंकि इस इंगेज पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी में गुज़श्ता तकरीबन 6 सालों से, इससे पहले भी जब सेनेट में था 3 साल वो भी, मेरा रियली कंसिडर्ड ये ओपी जजमेंट है कि हर हुकूमत
बेबस है और पार्लियामान बेकस है। और तभी मैंने कहा था कि देखो आओ बेबस और बेकस दोनों मिलके इसका रास्ता निकालें, बजाय इसके कि हम कहें कि ये हुकूमत नाअहल है वो हुकूमत नाअहल की। अब तो आप देखिए कि मौजूदा हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब ने परसों कह दिया है, तो जो मैं कह रहा था कि हुकूमत बेबस है वो खुद परसों बात आ गई है। मगर अपने पे आए तो बोले ना बाबर साहब, यही तो मसले हैं। ये मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हम भी बेबस हैं और हुकूमत भी बेकस है तो हमको क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम अल्ज़ाम तराशी करें, देखिए पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कमीशन ऑन इन्फोर्स डिसीजन ने भी कहा है, इससे पहले जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब से पहले जो कमीशन था उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी जो छपी नहीं है, पार्लियामान ने भी कहा, बल्कि पार्लियामान ने तो तकरीबन 1.5 साल पहले अपनी सिफारिशात गवर्नमेंट को भिजवा दी हैं। सेनेट की मामला रुके कहाँ हुए हैं बाबर साहब? इसका मतलब ये है जो आपने सवाल पूछा कि ये कौन है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, कमीशन ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंस भी कह रहा है, पार्लियामान भी कह रही है और हुकूमत भी कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो लोग हैं वो इन तमाम इदारों से ज़्यादा ताकतवर हैं और नज़र नहीं आ रहे। उन्हें शायद कोई सुलेमानी टोपी पहनी है जो नज़र नहीं आ रहे, और न सिर्फ नज़र नहीं आ रहे बल्कि इन सब से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसलिए इस बात की क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? मेरा ख्याल ये रियली जावेद इकबाल साहब का जो ये इदारा है कमीशन एंड फोर्स डिसअपीयरेंसेस भी है कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनको ये भी इख्तियार है कि जिस जगह पे इनको शक हो कि यहाँ पे लोग रखे गए थे या यहाँ कोई मटेरियल है तो वो वहाँ छापा भी लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया? नो, बिल्कुल नहीं किया। यही हमारा एतराज़ था। जावेद इकबाल सरबानी करके गुज़श्ता इसी महीने में कमेटी के सामने पेश हुए थे, उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था जी मैं फिर आपको बता दूंगा। हम उनसे यही सवाल करते हैं कि देखिए आप अगर अब तक जितने भी लोग इनके सामने आए हैं, हमने इनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने उनसे पूछा कि आपको कौन उठा के ले गया था, और अगर आपने 2000 लोगों से पूछा और किसी ने भी आपको नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, तो आप फिर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, तो फिर तो यहाँ ये किसी नतीजे पर तो पहुंचने की बात तो है ना। मेजर जनरल इजाज़वान साहब, आई लाइक टू ब्रिंग यू इन, आई एम वेरी सॉरी फॉर मिसहैप्स, मगर ये बताइए कि जब इल्जाम लगता है और दबे अल्फाजों में लोग कह देते हैं कि जी एजेंसीज ने इस तरह किया है, तो फिर क्या एजेंसीज के भी एक ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं होती कि वो इन केसेस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करें और जो सच है वो सामने आए? नहीं मनीष, ये जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की। ठीक। और हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें जिनको लोग मुंतखब करके ईवानों में भेजते हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन के इतने सीजन पॉलिटिशियन फरतुल्ला बाबर साहब से कि हम बेबस हैं और बेकस हैं। अगर इसके साथ ये भी शामिल कर लें कि गैर जिम्मेदार हैं और नाअहल हैं तो फिर मेरे ख्याल में कमल हो जाती है। वो पार्लियामान ही क्या है, वो सेनेट ही क्या है, वो हुकूमत ही क्या है जो अपने शहरियों को जानो माल और उनके जानो माल का तहफ्फुज़ इंश्योर नहीं कर सकती? किसी भी स्टेट का, दुनिया के किसी भी मुल्क में शहरियों माल का तहफ्फुज़ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। कोई एजेंसी, कोई अदारा, कोई वो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। ये चाहे तो फर्द वायद के लिए आईन अमेंड कर लेते हैं एक दिन में, चाहे तो आइन के परक्षे उड़ा के रखते हैं अपने मफाद के तहफ़ुज़ के लिए, लेकिन जब आम शहरियों की बात आए जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये पीपल वाली गवर्नमेंट नहीं बनते कभी भी। और मैं आपने जो बात कही है ना इजाज़ साहब, उसमें बड़ा वजन एक तरीके से है। अगर जावेद अब्बासी साहब आपसे मैं पूछूं, पहली दफा हमने देखा कि वजीर आजम ने इतनी देर के बाद एक स्टेटमेंट दी, पहले इतने लोग जो थे वो गायब हुए हजारों की तादाद, कोई स्टेटमेंट ना आई, मगर जब उनके अपने कारकुन उठाए गए तभी स्टेटमेंट दी, तो देर आए दुरुस्त आए मगर इतनी देर होनी चाहिए थी? देखिए जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो लोगों को इस तरह अगवा कर दिया जाता है या मिसिंग पर्सन के तौर पर उन्हें ले जाया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे तक रखा जाता है, उनकी फैमिली जो इस हजियत से गुजरती हैं, जिस अग्नि से गुजरती हैं, जो स्टेटमेंट उनके लोगती हैं, इतनी देर बाद स्टेटमेंट देना इतने बड़े मौजू के ऊपर, और एक बात इजाज़वान साहब
है कि आफ्टर ऑल स्टेट को प्रोटेक्ट करना है ना अपने सिटीजंस को। देखें हम अपने तौर पर ये अभी का मामला नहीं है, ये पिछले मेरा ख्याल है कोई तीन हुकूमतें गुजरी हैं, तीन हुकूमतों में ऐसा मामला चला रहा है। सबसे ज्यादा उस वक्त भी ये मामला उठाया जब यहाँ परवेज मुशरफ साहब के जमाने जिससे ये मामला जो है ये उठा हुआ था, और इस हर हुकूमत ने इसको देखने की कोशिश की है। आप भी देख रहे हैं कि बिल्कुल ये मैं तो किसी पर इल्जाम नहीं ज्यादा, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी यस हुकूमतों की है और हुकूमतों को करना चाहिए, और हुकूमतें पूरी तरह कसती भी हैं। उनको देखें इस तरह के मामलात में हुकूमतों को कोई फायदा नहीं है। ये सबने बैठ कर ये पाकिस्तान के शहरी हैं, नहीं इसमें कोई शक नहीं जावेद अब्बासी साहब कि ये सारे पाकिस्तान के शहरी हैं। मुझे इजाजत दीजिए, रहमान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये कई पूरी बात जी बात कर जी जी हमारा जो पार्लियामान का काम है, पार्लियामान ने कई दफा ये मामला उठाया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा कोई फोरम हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कई दफा मामला दिए, उन्होंने इसके लिए खास एक ट्राइब्यूनल बनाया, कमीशन बनाया जो हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत दफा नहीं सर मुझे हिस्ट्री मालूम है, हमने हिस्ट्री सारी बनाई बताई है, मुझे बात को आगे बेहतर कौन जानता है। लेकिन जो भी ऐसा काम इन्वॉल्व करता है उसने मेहरबानी करके इस तरह का मामला जो है ये जरूर नहीं करना चाहिए, अगर किसी के खिलाफ कुछ चीज। अच्छा सर अब आई वुड लाइक टू नाउ प्लीज स्पीक टू आई ए रहमान साहब। आई ए रहमान साहब देखिए, जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन हैं सेनेट के अंदर एक कमेटी के, जो बिलखसूस जस्टिस के मामलात को देखते हैं, लॉ के मामलात को देखते हैं। फरतुल्ला बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, कई अरसे से ये इस मामलात को उठाए हुए हैं। मसला क्या है? हुकूमत इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर कमेटी भी बना देती है, टास्क फोर्स भी बना देती है। हमारे मेजर जवान साहब कहते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो किसकी जिम्मेदारी है फिर? बात यह कि हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो रियासत के अंदर एक रियासत है। मैं एक छोटी सी बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की हुई है कि जो लोग बाजियाब किए जाते हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएं। अब हमारे वो हर महीने हमें बताए थे, पुनः पुनः आदमी जो है बरामद हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया है कि वो अपने घर पहुंच गया है, टेलीफोन नंबर है। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन हमारे से भी दरखास्त है, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहे के साथ वो आदमी बरामद हो गया है तो उसको ले आए कमीशन के सामने, इतनी सी बात है। उसे ले आए उसके सामने, हर महीने होता है, हर महीने होता है कि फला आदमी कराची पहुंच गया, फला आदमी जो है इस्लामाबाद पहुंच गया, या फला आदमी की जो है लाश बरामद हो गई, या फला आदमी जेल में है, बड़ी बाकायदगी से होता है। और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कमीशन के कि वो ये इतला फराहम करते हैं। मगर आप ये कह रहे हैं कि कमीशन के सामने इन लोगों को लाया ही नहीं जाता? नहीं, दूसरी बात कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो लोग वजह से चाहे उसकी वजह ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि इसको कहीं सरकारी इदारे ने रखा हुआ था तो उस पर कंपनसेशन लाजमी हो जाता है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि 2010 के जो कमीशन था जजिस का, उसने कई लोगों को कमीशन दिलवाया, कंपनसेशन दिलवाया। तो ये क्योंकि इसमें और बहुत सी बातें हैं, यही बात नहीं, इसकी जिम्मेदारी है। बल्कि इससे अच्छा था एक आदमी अपनी जिंदगी अपनी आजादी से महरूम रखा गया है, उसका सावधान होना चाहिए। जी बाबर साहब, जो रहमान साहब ने जी ये अभी इससे पहले जनरल एजाज साहब ने बात की थी, तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का मॉडल है वो बदकिस्मती से ऐसा है कि जो स्टीयरिंग व्हील बैठा है ऐसा लग रहा है कि गाड़ी ये चला रहा है, लेकिन जो लिवर्स हैं, रियल लिवर्स ऑफ कंट्रोल, वो पिछली सीट पर कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये जो ड्यूअलिटी है इन द स्टेट, ये ड्यूअलिटी वजह भी रहमान साहब ने कहा कि जी वो रियासत के अंदर रियासत है, रियासत भी है, लेकिन इससे भी ख़तरनाक ये है कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा है वो ड्राइव नहीं कर रहा।
ड्राइविंग के कंट्रोल्स किसी और के पास हैं, और ऐसी गाड़ी जिसके कंट्रोल्स किसी और के पास हों और बज़ाहिर कोई और व्हील रहा हो, सूनर आर लेटर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने बाद, इट इज़ गोइंग टू मीट अ डिज़ास्ट्रस एक्सीडेंट। आपने इसी वजह से जो चेयरमैन आप बने थे डिफेंस कमेटी के, इसी वजह से इस्तीफा दिया सेनेट के अंदर? कि मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन नहीं था, मैं ऑर्डिनरी मेंबर था, और मैंने इस्तीफा दिया है, और मैंने इस्तीफा कमेटी से इस्तीफा दिया, मैंने कमेटी से इस्तीफा दिया, और ये कोई भी की बात नहीं, चंद हफ्ते पहले ही मैंने इस्तीफा दिया था। मैं खबर बाद में, हाँ, वो इधर से नॉन इशू, दैट इज ए नॉन इशू। आप ये देखिए कि ये जो है ना, व्हाई इज इट अ नॉन इशू, क्योंकि इस्तीफा देना इज नॉट अ नॉन इशू। देखिए ये भी गनीमत है कि मैं 5.5 साल से ज्यादा मैं डिफेंस कमेटी में रहा हूँ, मैंने काफी सारे इशूज उठाए। मैं आपकी वसासत से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि देखिए कैसे स्टेट विद इन स्टेट है। आप कह सकते हैं कि जी पार्लियामान तो जिम्मेदार है, कि पार्लियामान इतना बड़ा इदारा है, ताकतवर है, वो करे। अगर पार्लियामान सवालात पूछे और उन सवालात का ताल्लुक अस्करी इदारों से हो, और उसका जवाब महज इस वजह से ना आए बल्कि ये आए कि दिस इज़ सीक्रेट एंड सेंसिटिव, तो मैं क्या करूं? पार्लियामान क्या करे? क्या पार्लियामान डंडा लेकर उन इदारों के पीछे जाए? मसलन ये सवाल पूछा गया कि जी आपने कारगिल में कोई इंक्वायरी की है? मैंने नहीं पूछा, हमने ये नहीं कहा कि इंक्वायरी की रिपोर्ट दे दो। हमने कहा पूछ, आपने इंक्वायरी की है? जवाब आया सीक्रेट एंड सेंसिटिव। सवाल पूछा कि ISI किसी कानून के तहत काम कर रहा है, वो कानून की कापी दे दो, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद हम कानून साज इदारा है। जवाब आया सीक्रेट सेंसिटिव। पूछा कि जी सब लोग अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं अपने हेड महकमों को, क्या आपके यहाँ भी आपके हेडक्वार्टर्स में सबमिट होते हैं? जवाब सीक्रेट सेंसिटिव। और वो इतने ज़्यादा हो गए ये जवाबात जब आ गए कि किताब छापनी पड़ी। उस किताब का टाइटल है किल्ड इन द चैम्बर, वो पढ़ने वाली है। वो आप देखें कि कैसे कैसे सवालात, मोशंस और रेजोल्यूशंस किल कर दिए। सीक्रेट सेंसिटिव, सीक्रेट सेंसिटिव। तो मैं अब इसके बाद पार्लियामान क्या करे? मैं जनरल साहब से कि ये तो वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, ये सवाल का जवाब उनको देना है। हमारे पास कोई डंडा और कोई इख्तियार नहीं है। हम तो ये बात उठाते हैं, पब्लिक फोरम पर भी बात कर रहा हूँ, पार्लियामान में भी की है। मैं नाकाम हो गया हूँ, उनसे पूछ लेते हैं। मेजर जनरल एजाज अवान साहब, आपका कोई जवाब है जो अभी फरतुल्ला बाबर साहब ने कहा? जी मुनीजे, मुझे सिर्फ एक जवाब समझ आता है कि अगर आदमी इतना बेबस और नाहल हो तो उसे उस बिजनेस से, उस डिपार्टमेंट से, उस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए। अगर कोई बंदर बना के किसी को स्टेयरिंग पे बिठा रहा है और चला पीछे से रहा है, स्टेयरिंग पे बैठने वाले आदमी को स्टेयरिंग से उठ जाना चाहिए। और अगर ये बात है इस मुल्क में तो LNG का